हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने परफॉर्म करूंगा सोडियम रिएक्ट कैसे करता है वाटर के साथ। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि ये रिएक्शन आप भी परफॉर्म करना चाहते हैं घर पे, तो बहुत ही प्रिकॉशन लेने हैं क्योंकि ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है सोडियम, डेट इज़ सिल्वर ग्रेश। ओके, तो ये सोडियम मेटल जो है डेट इज़ सिल्वर ग्रेश, उसको मैं रिएक्ट करूँगा वाटर के साथ। तो मैं वाटर को पोर कर रहा हूँ, ओके, एंड देन मैं यहां पर सोडियम को बहुत ही कम सोडियम लूंगा मैं, और इसको मैं वाटर के में डालूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सोडियम रिएक्ट किया वाटर के साथ और अपने को मिला NaOH प्लस H2, जो कि एक बहुत ही हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन थी, राइट? इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इसको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ परफॉर्म करने का। ओके, अब यदि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें यदि NaOH हुआ है, इसका मतलब ये लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर दे, रेड टू ब्लू के अंदर। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि क्या ये सॉल्यूशन में NaOH है या नहीं है, राइट? तो इस पर्टिकुलर बीकर में मैं इस पर्टिकुलर जहाँ पर रिएक्शन हुई थी सोडियम की वाटर के साथ में, वो मैं उसका जो सॉल्यूशन है मैं इस बीकर में डालूंगा, फाइन? तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ इस बीकर के अंदर, ओके, और आप लोग देख सकते हैं ये ब्लू लिटमस है, राइट? यदि ये ब्लू लिटमस है तो एग्जैक्टली ब्लू लिटमस का काम क्या होता है कि वो एसिडिक कंडीशन के अंदर ब्लू टू रेड होता है ब्लू लिटमस। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ब्लू लिटमस यहां पर कोई ऑब्जर्वेशन दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो ब्लू कलर है लिटमस पेपर का, वो ब्लू ही रहा, मतलब ये सॉल्यूशन एसिडिक तो नहीं है, अदरवाइज ये ब्लू टू रेड हो जाता। ओके, अब इसको देखें, ये है रेड लिटमस। ओके, अब रेड लिटमस पेपर का होता ये है कि ये अपना कलर चेंज कर लेगा, रेड लिटमस कलर चेंज अपना करेगा, इसमें एल्कलाइन कंडीशन में, तो रेड टू ब्लू हो जाना चाहिए। ये देखिए, तो जहां जहां पे सॉल्यूशन गया है वहां पे रेड कलर कन्वर्ट हो गया है ब्लू। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हो गई कि भाई ये पक्का सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, एल्कलाइन। ओके, इस रिएक्शन में हम सोडियम मेटल को रिएक्ट कराएंगे लिक्विड अमोनिया से, राइट? तो आपको पता होगा कि जब सोडियम रिएक्ट करता है लिक्विड अमोनिया से इन वार्म कंडीशंस, सो अपने को मिलता है सोडियम अमाइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन भी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होने वाली है। तो ये लिक्विड अमोनिया को मैं पोर करूँगा कॉर्निकल फ्लास्क के अंदर, तो अब इस लिक्विड अमोनिया के अंदर मैं वेरी स्मॉल पीस ऑफ सोडियम ऐड करूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों, देखिए सोडियम रिएक्ट कर रहा है लिक्विड अमोनिया से, और ये देखिए ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन हुई, और यहाँ पर NaNH2 अलोंग विद H2 गैस।
यहां पर प्रोड्यूस हुआ। ओके, इस एक्सपेरिमेंट में हम सोडियम को रिएक्ट करेंगे HCl के साथ। तो मैंने इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाया। अब मैं HCl की रिएक्शन कराने जा रहा हूँ सोडियम के साथ। उसमें हमको क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2O। ये भी एक एक्सक्लूसिव रिएक्शन होनी चाहिए। तो मैं पहले HCl को पोर कर रहा हूँ एंड देन आई एम एडिंग वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ सोडियम। तो देखते हैं क्या रिएक्शन होती है बच्चों। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो रिएक्शन है ये एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन हुई है। ओके, स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं सोडियम को रिएक्ट कराऊंगा डाइल्यूट H2O4 से। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड से मैंने एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया है H2O4 का, और अब मैं सोडियम को रिएक्ट कराऊंगा। तो पहले मैं H2O4 पोर कर रहा हूं एंड देन वेरी स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मैं यहां पर डालूंगा। देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन आती है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर सोडियम रिएक्ट किया H2O4 के साथ और अपने को मिला Na2SO4 प्लस H2। ये भी एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन थी। हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि मैंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। आई होप आप सब लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। आज जो हमने रिएक्शंस देखी हैं, इनके पीछे क्या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद में एक छोटा सा क्विज भी होगा। सो स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन कंसेप्ट ऑफ रिएक्शंस जो कि हैं, फर्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन, सेकंड वन इज अरेनियस एसिड बेस रिएक्शन, थर्ड वन इज लुईस एसिड बेस रिएक्शन, फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन, फिफ्थ वन इज आयन एक्सचेंज रिएक्शन एंड सिक्स्थ वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने रिएक्शन परफॉर्म करी है वो है रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस। सो व्हाट इज थ्योरी बिहाइंड रिडॉक्स रिएक्शन? अब मैं मान के चलता हूं कि एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी। उससे हमको मिला ए बी। ओके, अब आई एम कंसिडरिंग कि ए की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, तो ए तो कन्वर्ट हो गया ए प्लस में। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बी ने गेन किया तो बना बी माइनस। तो हमने बोला कि बी का हो गया रिडक्शन। जिस भी पर्टिकुलर रिएक्शन में ये रिडक्शन हो और साथ में ऑक्सीडेशन हो, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये तो आपको बिल्कुल बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी कि जो ए है डेट इज एक स्पीशी जो है रिएक्शन के अंदर उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, और जैसे बी है, और मैं बोल सकता हूं कि एक ऐसी स्पीशी होनी चाहिए रिडॉक्स रिएक्शंस में जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो आधा रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन वाली टेंडेंसी होनी चाहिए और आधे पार्ट में रिडक्शन की टेंडेंसी होनी चाहिए, तभी हम एक रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान सोडियम को रिएक्ट किया था वाटर से, तो अपने को क्या मिला था? NaOH प्लस H2। रिएक्शंस को मैं बैलेंस कर नहीं रहा हूं, वो आप कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था कि जो सोडियम एक एक्टिव मेटल है उसका हुआ ऑक्सीडेशन, डेट इज सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करे,
और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाटर के H प्लस ने गेन किए और मिला H2 प्लस OH माइनस। फाइन, तो ये Na प्लस और ये OH माइनस, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड में NaOH लिखा है और साथ में H2 गैस। ओके, और साथ में मैंने आपको कि ये रिएक्शन में एल्काइन प्रोडक्ट है उसको चेक कराने के लिए आपको मैंने दिखाया था कि रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो गया है ब्लू में, जो कि टेस्ट है कि सॉल्यूशन इज एल्कलाइन। फाइन, अब आप बताइए जब सोडियम HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? तो सोडियम जो कि एक एक्टिव मेटल है वो किस में जाएगा? Na प्लस में। फाइन, और HCl का Cl माइनस बनाएगा NaCl, और ये जो H प्लस है एसिड का वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सोडियम वाले और वो क्या बना लेगा? H2 गैस। तो क्या मिल जाएगा अपने को? NaCl प्लस H2, जो कि अगेन एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन थी। ओके, अब बात करते हैं सोडियम और H2O4 की। वही काम होगा यहां पर भी, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और अपने को मिलेगा Na2SO4 प्लस H2, जो कि अगेन एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन थी। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी रिएक्शंस थी, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस HCl, सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सोडियम का हो रहा था ऑक्सीडेशन और जो अदर रिएजेंट था डेट इज वाटर पहली वाली रिएक्शन में, HCl में H प्लस और H2O4 में अगेन H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन हो रहा था। तो डेट इज रिडॉक्स रिएक्शंस थी ये 1, 2, 3। फाइन, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सोडियम जब लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट किया था तो भी एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन हुई थी। एग्जैक्टली वार्म कंडीशंस पे जब सोडियम रिएक्ट करता है लिक्विड अमोनिया के साथ तो मिलता है NaNH2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये NaNH2 है सोडियम अमाइड। तो जो बच्चे क्लास 11 और 12th और 13th में होंगे वो सोच रहे होंगे कि सोडियम तो लिक्विड अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है तो ब्लू कलर ऑब्जर्वेशन आती है। बच्चों वो आती है ऑब्जर्वेशन वेरी लो टेम्परेचर पे, डेट इज -33 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जब कंडीशंस होंगी उस समय ये ब्लू कलर दिखता। ओके, अब वो कंडीशन तो मेरे पास थी नहीं इतना कम टेम्परेचर, तो मैंने वार्म कंडीशन पे ये रिएक्शन आपको परफॉर्म करके दिखाई थी। अब इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है? एग्जैक्टली होता ये है कि जो सोडियम है वो तो एक एक्टिव मेटल है तो उसने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एंड जो लिक्विड अमोनिया है ये रहता है सेल्फ आयनाइजेशन में NH4 प्लस और NH2 माइनस। तो ये Na प्लस और NH2 माइनस से तो NaNH2 आपको दिख रहा होगा, और साथ में जो अमोनियम है वो हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली अमोनिया और H प्लस का ही तो पार्ट है। तो ये जो H प्लस है इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और उससे मिला अपने को H2, डेट इज हाइड्रोजन गैस। फाइन इनफ, तो इस तरीके से रिएक्शन परफॉर्म हुई थी। अब बच्चों मैं आपकी आपकी लर्निंग चेक करूंगा आपको कितना यहां पर सीखने को मिला। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर देन अ गैस इवॉल्व इज, तो आपको पता है बच्चों जब सोडियम रिएक्ट किया था वाटर से तो बताइए, तो NaOH मिला था अलोंग विद H2 गैस मिली थी, तो गैस का नाम क्या हुआ? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद लिक्विड अमोनिया देन प्रोडक्ट इज और आर, तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया
कि जब सोडियम रिएक्ट करता है लिक्विड अमोनिया के साथ, रिमेंबर यहां पर वेरी लो टेम्परेचर कंडीशन नहीं है, डेट इज वार्म कंडीशंस थी, ठीक है, उसमें अपने को मिलता है NaNH2 अलोंग विद H2, तो डेट इज सोडियम अमाइड और साथ में क्या हाइड्रोजन गैस। ओके, अब बच्चों ये क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि बेरियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ आयन एक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नन ऑफ दीज। तो बेरियम एक एक्टिव मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब ऑक्सीडेशन, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जो एच प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, डेट इज रिडक्शन, तो क्या होगा रिडॉक्स, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब बच्चों मैं आपके लिए कुछ रिएक्शंस मैंने यहां पे लिखी हैं, अब आपको बताना है इनमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो कैल्शियम जो कि एक्टिव मेटल है, वाटर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कैल्शियम के, तो अपने को क्या मिलेगा CaOH होल ट्वाइस अलोंग विद H2 गैस। पोटेशियम प्लस HCl, पोटेशियम एक एक्टिव मेटल है तो K प्लस में जाएगा, तो यहां पे KCl बनेगा अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम यदि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या मिलेगा K2SO4 अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। यहां पे मैंने किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, ओके, वो आप कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको एक्सपेरिमेंट भी और साथ में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी बिल्कुल समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।